नमस्ते दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करते हैं दोस्तों आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे आप मैक्रोस को यूज करोगे इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्रो का काम होता है कि अगर आप एक्सेल शीट में कुछ भी काम करते हो तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को रिकॉर्ड करना और अगर हमें सेम काम दोबारा से करना है तो सिर्फ आपको मैक्रो को रन करना होगा या फिर मैक्रोस का मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट की सेट करूँगा उसको प्रेस करने के साथ ही केवल एक ही सेकंड में सारा काम यहाँ पे हो जाएगा तो चलिए बिना देर किए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं दोस्तों मैक्रोस को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे डेवलपर टैब को ऑन कर लेना है इसके लिए आपको जाना होगा फाइल टैब में फाइल टैब में जाने के बाद आपको क्लिक करना है ऑप्शंस में ऑप्शनस में क्लिक करने के साथ ही एक विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको क्लिक करना है कस्टमाइज रिबन में क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देखिए सारे रिबन का ऑप्शंस आपको दिखाएगा और यहाँ से आपको डेवलपर को एक्टिव करके जस्ट एक बार ओके okay में आके क्लिक करना है क्लिक करने के साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हो डेवलपर टैब जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है और यहाँ से ही आपको एकदम शुरू में ऊपर की तरफ यहाँ पे देखिए मैक्रोस का ऑप्शन आपको यहाँ पर सारा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ से ही आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्रोज को यूज करना है दोस्तों मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मार्कशीट के एक फॉर्मेट को डिजाइन करूँगा और उसको आप कैसे मैक्रो को यूज करके रिकॉर्ड करोगे और उसको रन कराओगे इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा मैक्रोज को रिकॉर्ड करने के लिए आपको जाना होगा डेवलपर टैब में डेवलपर टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है रिकॉर्ड मैक्रो में क्लिक करने के साथ ही एक विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा यहाँ पे आपको सबसे पहले मैक्रो का नाम लिखना है तो आप यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हो तो मैं यहाँ पे मैक्रो वन ही रखूंगा इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे मैक्रो का शॉर्टकट की सेट करना है तो मैं यहाँ पे सी टी आर एल के साथ शिफ्ट और बी प्रेस करूँगा तो ये देखिए ये मेरा शॉर्टकट की हो चुका है सी टी आर एल शिफ्ट प्लस बी इससे होगा कि जब भी आप कीबोर्ड से सी टी आर एल शिफ्ट और बी को प्रेस करोगे तो मैक्रो जो है वो रन हो जाएगा और यहाँ पे आपको स्टोर मैक्रोस इन में दिस वर्कबुक रखना है और एक बार ओके OK में आके क्लिक कर देना है ओके OK में क्लिक करने के साथ ही मैक्रोस का रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा ये देखिए अब यहाँ पे आप जो भी काम स्टेप बाय स्टेप करेंगे मैक्रोस वो वन बाय वन रिकॉर्ड करता जाएगा तो अब मैं दोस्तों यहाँ पे एक मार्कशीट का फॉर्मेट को डिजाइन करूंगा इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे चार सेल को सिलेक्ट कर लेना है तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है इसके बाद आपको जाना होगा होम टैब में होम टैब में जाने के बाद आपको क्लिक करना है मार्ज एंड सेंटर में क्लिक करने के साथ ही वो सेल देखिए यहाँ पे मार्ज हो चुका है अब मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टडी स्पेन एडुकेशन वर्ल्ड फिर आपको एंटर करके नीचे आना है और यहाँ पे लिखना है नेम फिर मैं यहाँ पे इन तीन सेल को सिलेक्ट करूंगा सिलेक्ट करने के बाद मार्जन सेंटर में जाकर क्लिक करके इनको मैं यहाँ पे मार्च कर दूंगा फिर नीचे आपको यहाँ पे लिखना है क्लास क्लास लिखने के बाद एक सेल को छोड़ के आपको यहाँ पे लिखना है रोल नंबर रोल नंबर लिखने के बाद फिर आपको एक सेल छोड़ के नीचे लिखना है सब्जेक्ट्स फिर आपको यहाँ पे इन सेल को सिलेक्ट कर लेना है सिलेक्ट करने के बाद इनको भी आपको यहाँ पर मार्जन सेंटर में क्लिक करके मार्च कर लेना है और यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट्स फिर नीचे आपको यहाँ पे क्लिक करके लिखना है हिंदी हिंदी लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक सेल छोड़ के फिर आपको लिखना है इंग्लिश इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे लिखना है मैथ और एक सेल छोड़ के लास्ट में लिखना है साइंस फिर इसके नीचे आपको यहाँ पे दो सेल को सिलेक्ट कर लेना है सिलेक्ट करके इनको भी यहाँ पर आपको मार्च कर लेना है मार्च करने के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा टोटल टोटल लिखने के बाद इसके बाद दो जो सेल है इसको भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके मार्च कर लेना है सेम प्रोसेस फॉलो करके नीचे और दो सेल को आपको सिलेक्ट करना है और इसको मार्च करके यहाँ पे लिखना है परसेंट परसेंट लिखने के बाद इसके बाद का जो दो सेल है इसको भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके मार्च कर लेना है तो ये हो गया मेरा फॉर्मेट रेडी अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे डेकोरेट करूंगा इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट कर लूंगा सिलेक्ट करने के बाद मैं चला जाऊँगा होम टैप से फॉन्ट ग्रुप में और यहाँ से कोई भी फॉन्ट स्टाइल आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो तो मैं यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल को चूज कर लूंगा अच्छा सा एक फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करने के बाद मैं चलाऊंगा नीचे और यहाँ से बॉर्डर बटन में क्लिक करके मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर को अप्लाई कर दूंगा यहाँ पे ऑल बॉर्डर में क्लिक करने के साथ ही सेल बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा फिर आपको जाना है अलाइनमेंट ग्रुप में और आपको यहाँ से मिडिल अलाइनमेंट को सेट कर देना है अलाइनमेंट सेट करने के बाद मैं यहाँ पे इन चार कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा सिलेक्ट करने के बाद इनको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा तो ये देखिए एडजस्टमेंट हो चुका है अब मैं यहाँ पे सिर्फ ये जो रो है इसको मैं यहाँ पे यहाँ से क्लिक करके थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा फिर मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा साइज में और इसके बाद यहाँ से एक बैक कलर और एक फोर कलर को अप्लाई कर दूंगा तो दोस्तों यहाँ पे मेरा टेबल डेकोरेशन का काम कंप्लीट होता है अब मैं यहाँ पे फार्मूला को अप्लाई करूंगा सबसे पहले मैं यहाँ पे टोटल के फार्मूला को अप्लाई करूंगा दोस्तों यहाँ पे टोटल में इन चारों सब्जेक्ट का जो टोटल मार्क्स है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा इसके लिए आपको यहाँ पे एक फार्मूला लिखना है इक्वल इक्वल लिखने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले हिंदी के जो सेल है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है इसके बाद आपको प्लस देना होगा फिर आपको यहाँ पे इंग्लिश का सेल को सिलेक्ट करना है प्लस देना है इसके बाद मैथ के सेल को सिलेक्ट करना है प्लस देना है और साइंस के सेल को सिलेक्ट करने के बाद जस्ट एक बार एंटर कर देना है यहाँ पे देखिए D6 सिक्स प्लस एफ सिक्स प्लस डी सेवन प्लस एफ सेवन चारों सब्जेक्ट का टोटल आपको यहाँ पे दिखाएगा जस्ट एंटर करने के साथ ही यहाँ पे देखिए ज़ीरो आया है क्योंकि अभी तक यहाँ पे कुछ वैल्यू मैंने ऐड नहीं किया है इसीलिए यहाँ पे टोटल में जीरो आया है दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे परसेंटेज को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा परसेंटेज का फॉर्मूला है इक्वल टोटल इन टू हंड्रेड बाई मार्क्स फुल मार्क्स यहाँ पे चारों सब्जेक्ट का फोर हंड्रेड है तो आपको यहाँ पे डिवाइडेड बाई फोर हंड्रेड लिख देना है लिखने के बाद जस्ट एक बार एंटर करना है एंटर करने के साथ ही यहाँ पे परसेंटेज का फॉर्मूला भी हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे मेरा टेबल का पूरा काम कंप्लीट होता है अब मैं यहाँ पे मैक्रो को स्टॉप करूंगा इसके लिए आपको जाना होगा डेवलपर टैब में डेवलपर टैब पर जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्टॉप रिकॉर्डिंग में स्टॉप रिकॉर्डिंग में क्लिक करने के साथ ही मैक्रो का जो रिकॉर्डिंग का काम है वो तो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा मतलब कि मैक्रो का रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है दोस्तों अब मैं चलाऊंगा एक्सेल के शीट टू में और यहाँ पे आपको मैक्रो को रन करके दिखाऊंगा इसके लिए आपको जाना होगा फिर से डेवलपर टैब में और यहाँ से आपको मैक्रो में जाके क्लिक करना है मैक्रोज में क्लिक करने के साथ ही एक विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए आपका मैक्रो का नाम यहाँ पे दिखाएगा जस्ट आपको सिंपली रन में जाके क्लिक कर देना है इसको सिलेक्ट करके रन में जाके क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देखिए वो जो फॉर्मेट मैंने शीट वन में किया था वो पूरा फॉर्मेट आपका शीट टू में आ जाएगा ये देखिए जस्ट आपको एक बार मेहनत करके पूरा फॉर्मेट को डिजाइन करना है बाकी बार ऑटोमेटिकली जब आप मैक्रो को रन कराओगे वो फॉर्मेट ऑटोमेटिकली आता जाएगा अब मैं चलाऊंगा एक्सेल के शीट थ्री में और यहाँ पे शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और बी को प्रेस करूंगा करने के साथ ही यहाँ पे देखिए मैक्रो जो है वो रन हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो टेबल का फॉर्मेट है वो यहाँ पे आ जाएगा ये देखिए और यहाँ पे आप अपने हिसाब से किसी भी डेटा को एंट्री कर सकते हो तो मैं शीट वन में एक डेटा को एंट्री करके आपको दिखाऊंगा सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम लिखना है स्टूडेंट का इसके बाद आपको यहाँ पे क्लास लिखना है फिर रोल नंबर रोल नंबर लिखने के बाद आपको सब्जेक्ट में उसका मार्क्स लिखना है कितना मार्क्स उसको किन किन सब्जेक्ट में कितना मार्क्स मिला है वो आपको यहाँ पे एंट्री करना है एंट्री करने के साथ ही ऑटोमेटिकली टोटल और परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा ये देखिए ये यह देखिए यह यहाँ पे चारों सब्जेक्ट का टोटल और परसेंटेज आपको यहाँ पे कैलकुलेट होके दिखाएगा दोस्तों आप यहाँ पे किसी भी शीट में जाके किसी भी स्टूडेंट का डेटा एंट्री करके उसका टोटल और परसेंटेज को कैलकुलेट करके मार्कशीट को बना सकते हो ये हो गया स्टूडेंट नेम फिर मैं यहाँ पे क्लास लिखूंगा इसके बाद आपको यहाँ पर रोल नंबर लिखना है रोल नंबर लिखने के बाद सब्जेक्ट में उसको कितना मार्क्स मिला है वो सारे मार्क्स को आपको यहाँ पर लिखना है लिखने के साथ ही यहाँ पर देखिए टोटल और परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता जाएगा ये यह देखिए यहाँ पे टोटल और परसेंटेज कैलकुलेट हो चुका है अब मैं चलाऊंगा शीट थ्री में यहाँ पे भी आप स्टूडेंट का नाम क्लास रोल नंबर और उनके सब्जेक्ट में कितना उनको मार्क्स मिला है वो आप यहाँ पे डाल के उसका टोटल और परसेंटेज को कैलकुलेट करके निकाल सकते हो यह हो गया स्टूडेंट नेम इसके बाद क्लास लिखना है आपको फिर रोल नंबर फिर आपको यहाँ पर लिखना है हिंदी में उसको कितना मिला है उसके बाद इंग्लिश का मार्क्स फिर मैथ का और लास्ट में आपको साइंस का मार्क्स यहाँ पे देना है देने के बाद यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली टोटल और परसेंटेज जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है तो दोस्तों ये था सिंपल प्रोसेस जिसको यूज करके आप इजीली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्रो को यूज कर सकते हो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो प्लीज कीप योर सपोर्ट